नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। पार्टी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने नोटिस जारी किया और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्याम सुंदर सिंह को नोटिस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि मुझे नोटिस की जानकारी नहीं और ऐसे नोटिस की जानकारी पहले मुझे दी जानी चाहिए थी। नोटिस के भाव को देखना होगा आखिर किस संदर्भ में नोटिस दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में एनडीए बिहार में चल रहा है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह, कई सांसद और विधायक जेडीयू ऑफिस में मौजूद रहे। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने आरजेडी की बैठक में शहाबुद्दीन की तस्वीर पर कहा कि शहाबुद्दीन जैसे नेताओं को साथ लेकर चलना आरजेडी की पुरानी परिपाटी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचे और एनआरसी के मुद्दे पर कहा है कि ये किसी खास राज्य के लिए नहीं है। जो बांग्लादेश से यहां भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें भारत से वापस जाना ही चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अरवल जिले के शहर तेलपा ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने पुरानी जमीन विवाद को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेतिया के कालीबाग ओपी अंतर्गत रेल ट्रैक के पास एक 17 वर्षीय युवक का शव मिला है। युवक 3 दिन से लापता था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शहर के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। सासाराम में आपसी रंजिश में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी जिसकी मौत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के दौरान हो गई। पटना के मसौढ़ी में गिड़ीहारा गांव के नदी से पुलिस ने बोरे में बंद एक विवाहिता का शव बरामद किया। मृतक महिला के परिजन ने मसौढ़ी थाना पहुंचकर पति पर हत्या कर। बक्सर में खेत पर काम करने गए किसान को अपराधियों ने गोली मार दी जिसमें किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। उधर बांका के अमरपुर में थाने से महज 1 किलोमीटर दूर झपटमार सीएसपी संचालक से 2,30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया है कि वो स्टेट बैंक से पैसे निकालकर अपने गांव जा रहा था कि तभी बुच्ची मोड़ के पास बाइक सवार 2 युवक रुपए लूटकर फरार हो गए। बांका में हथियारबंद अपराधियों ने बालू कारोबारी के कर्मचारी के साथ मारपीट कर 400 लीटर डीजल लूट लिया। वहीं डीजल की लूट के बाद गाड़ी को भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाजीपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 4 लाख की लूट को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद भागे बदमाश। वारदात नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक गुदरी रोड की है। सिवान जिले के दरौंदा थाना के सवान विग्रह में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर से 20,000 नकद सहित एक लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हो गए। मधुबनी पुलिस ने नेशनल हाईवे 57 के एक लाइन होटल में छापेमारी करते हुए चोरी के 5 लाख रुपए के साथ 5 होटल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल की जमीन की खुदवाई की और मिट्टी के नीचे से गड़ा हुआ पैसा, 3 एटीएम कार्ड और 3 मोबाइल जब्त किए। कटिहार के महानंदा नदी में अचानक जलवृद्धि से इलाके में हाहाकार मचा है जिसके डर से प्राणपुर प्रखंड के लालगंज पंचायत के सैकड़ों परिवारों ने घर बार छोड़ दिया है और बांध पर शरण लेने को मजबूर है। पटना में ठेला चालकों ने एग्जीबिशन रोड को जाम कर दिया और आगजनी की। दरअसल आयुक्त के निर्देश पर दिन के 9 बजे सुबह के बाद शहर में ठेले को 3 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे ठेला चालकों में नाराजगी है। सिवान के पचरुखी प्रखंड के मखनूपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से परेशान लोगों ने हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने इस दौरान स्थानीय मुखिया के विरुद्ध नारेबाजी की। विक्रम के नौबतसर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस गश्ती दल ने नहर मार्ग पर ऑटो से बोरे में बंद लगभग 100 लीटर देसी शराब के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों मसौढ़ी से शराब लेकर फुलवारी शरीफ की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने ऑटो को भी जब्त कर लिया है। सियालदा हाटे बाजारे एक्सप्रेस से कटिहार लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप रेल पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने एक तस्कर के साथ 150 बोतल विदेशी शराब जब्त की। दरभंगा में तेज बारिश होने से शहर का बुरा हाल है। शहर के कई मोहल्ले सहित डीएमसीएच में पानी भर चुका है। पूरे अस्पताल में जल जमाव हो गया है। डीएमसीएच के मेडिसिन ओपीडी इमरजेंसी सहित अधीक्षक कार्यालय में भी जल जमाव की चपेट में है। पटना में 24 घंटे बाद भी शहर के कई इलाकों में पानी जमा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है तो कई इलाकों में गंदे नाले का पानी भरा हुआ है। घरों और मोहल्लों से गंदे नाले का पानी नहीं निकल पाया है जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
उधर मधुबनी के खजौली स्टेशन की आउटर सिग्नल के पास एक अज्ञात शख्स की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली में भारी अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर टीटी और सीटीटी शिक्षकों ने बिहार शरीफ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में हंगामा किया। शिक्षा मंत्री और डीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नालंदा में भागन विघा ओपी इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पचासा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सिवान में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने व्यवसायियों से कहा है कि महीने के एक दिन निर्धारित कर एसपी के कार्यालय में एसपी से मिलें और समस्याओं के बारे में जानकारी दें। सिवान जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार तंबाकू प्रोडक्ट पर रोज रोक लगाने के लिए हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाई गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ शामिल थे। सिवान के कोटनी प्रखंड स्थित लोकमान्य तिलक उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं का इंटर ग्रुप गवर्नर कंपटीशन में चयन हुआ है, जिससे छात्रों में खुशी की लहर है। राजधानी पटना के विक्रम थाना का बुरा हाल है। हालात ये हैं कि बिजली जाने के बाद से थाने में अंधेरा छा जाता है। पुलिसकर्मी टॉर्च की रोशनी में काम करते हैं, जिसकी वजह से थाने में फैले अंधेरे में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहरसा में जन अधिकार पार्टी युवा परिषद ने रोजगार नहीं तो सरकार नहीं नारे के साथ एक दिवसीय धरना दिया गया। स्थानीय स्टेडियम के समीप आयोजित धरने में जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा के बीड़ी श्रमिक अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था को देखकर केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री से मिलकर अस्पताल को दुरुस्त कराने की बात कही। मुंगेर में गुटखे की हो रही अवैध बिक्री और पॉलीथिन बिक्री इस्तेमाल को लेकर शहर के बाजारों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया है। इसमें 15 किलो गुटखे के साथ ही 32 किलो पॉलीथिन को विभिन्न दुकानदारों से जब्त किया। औरंगाबाद के बारुण प्रखंड के बीडीओ और सीओ ने आज प्रखंड के तमाम मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले जल जीवन हरियाली और कचरा प्रबंधन की योजनाओं पर चर्चा की गई। कुपोषण मुक्त भारत के निर्माण की परिकल्पना के साथ औरंगाबाद के मदनपुर में राष्ट्रीय पोषण मेले का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने इसका उद्घाटन किया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम रघुवर दास दुमका पहुंचे। मुख्यमंत्री रघुवर दास वेसा गांव पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने जलकुंभी से निर्मित सामान का अवलोकन किया और साथ ही महिला कारीगरों से बात की। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जारी पुलिस रिपोर्ट ने एक बार फिर से सूबे की सियासत को तेज कर दिया है। एमजीएम के विशेषज्ञ चिकित्सकों के बोर्ड की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया। उसमें बताया गया है कि भीड़ द्वारा पीटे जाने से तबरेज की हड्डी टूटी थी। धनबाद में बंद खदान में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला फैक्ट्री कोलियरी के पास बीसीसीएल के बंद खदान में यह हादसा हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उधर घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में दुर्गम सूर्याबेड़ा गांव में प्रशासन की उदासीनता की वजह से सुराई बेसरा नाम के युवक की मौत हो गई। 17 वर्षीय युवक मलेरिया से पीड़ित था, जो मजबूरी में अपना इलाज गांव के ही ओझा गुणी से करा रहा था। गोड्डा के मुफसिल थाना क्षेत्र के रानीडी गांव में बच्चा चोर की अफवाह में मॉब लिंचिंग की घटना टल गई। यहां एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, बेकाबू लोगों को काबू में किया। हालांकि इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के वाहनों में उग्र भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग भी की। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बिष्णुपुर गांव स्थित विद्युत विभाग के क्वार्टर में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय कार्तिक चंद भगत के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर देवघर में बगैर परिचय पत्र के होटल्स में लोगों को ठहराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने ऐसे होटल कारोबारियों पर नकेल कसने की ठानी है और इसी कड़ी में देवघर पुलिस ने देर रात कई होटल्स में छापेमारी की। रांची में आज निर्माणाधीन सेंट्रल मॉल के कर्मचारियों ने हंगामा किया। 17 सितंबर को मेन रोड निर्माणाधीन सेंट्रल मॉल के चौथे तल्ले से गिरकर कूटी निवासी संजीव गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई, जिससे नाराज रिटेल कर्मियों ने हंगामा किया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने पुनासी डैम में जमा पानी से देवघर बाबा मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। अपने माता पिता के साथ बाबा मंदिर पहुंचे निशिकांत ने कहा कि पुनासी डैम में पानी जमा हो रहा है और संभवतः एक दो दिन में राज्य सरकार इसका टेंडर कर देगी। रांची की मेन रोड पर आज से महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलेगी। कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक आज से महिला स्पेशल सिटी बस की शुरुआत की जा रही है। इस बस में कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक का सफर ₹5 में तय किया जाएगा। बोकारो में धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है और इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने बालीडी थाने की मदद से 5 हाईवा जब्त किए और इस हाईवे में क्षमता से ज्यादा लाल पत्थर लदा हुआ था। पुलिस ने 5 हाईवा को जब्त कर इनके कागजात की जांच शुरू की। रांची में प्याज की कीमतें एक बार फिर से आम आदमी को रुला रही हैं। पिछले एक महीने के दौरान प्याज की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। इस दौरान प्याज के भाव में 75% से भी ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है।
सूचना जनसंपर्क विभाग हजारीबाग की तरफ से सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की गई है और इसके जरिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के कलाकारों की मदद ली जा रही है और इसके लिए चार पहिया वाहन के ऊपर बने स्टेज पर कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोकारो के चास में मिठाई दुकान पर एसडीओ और चास थाना पुलिस के नेतृत्व में मिठाई की दुकान में जांच की गई है। मिठाई में गड़बड़ी के साथ ही मरी हुई मक्खी युक्त मिठाई बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। जामताड़ा में साइकिल से जा रहे एक युवक को एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। देवघर में कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को हाईटेक बनाने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। कृषि के गुर सीखने के लिए कम से कम 3 महीने का कोर्स करना पड़ता है। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के पतकी जंगल से एक अज्ञात महिला का शव मिला है। इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बताया जाता है कि अज्ञात अपराधियों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर चेहरे को तेजाब से जला दिया। कोडरमा जिले के सबसे प्रतिष्ठित बागी अल्ट्रासाउंड में आज दिल्ली से आई टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के डर से कई अल्ट्रासाउंड क्लिनिक संचालक क्लिनिक को बंद कर फरार हो गए। पीएम मोदी महाराष्ट्र के नासिक पहुंच चुके हैं जहां पर पीएम मोदी सीएम देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा का समापन करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली के दौरान पीएम महाराष्ट्र के लिए कई घोषणाएं कर सकते हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में सोलर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी तकनीक पर विकसित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान उन्होंने भरी। बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की किसी लड़ाकू विमान में यह पहली उड़ान थी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह पहले ऐसे रक्षा मंत्री भी बन गए। भारतीय वायुसेना तेजस के विमानों की एक खेप पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है और इस विमान तेजस का ढांचा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, यानी कि यह किसी धातु से बनने वाले विमानों की तुलना में काफी हल्का है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आज गुरुवार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया बदला है। योगी ने कहा है कि 14 साल के वनवास के बाद 19 मार्च 2017 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से नाराज यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन समेत 51 संगठनों ने आज दिल्ली एनसीआर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसकी वजह से करीब 25,000 ट्रक, 35,000 ऑटो, 50,000 टैक्सी और कैब नहीं चलेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब से कुछ देर पहले कुछ लोग टैक्सी ड्राइवर्स को सवारी बैठाने से रोकते नजर आए। हड़ताल समर्थक ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो किसी को भी टैक्सी या फिर ऑटो का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कुछ लोगों को तो जबरन टैक्सी से उतार दिया गया। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल से दिल्ली एनसीआर वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की बसें भी बंद रही। स्कूलों से जुड़े कई ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल रहे। हड़ताल को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ममता ने अमित शाह से कई मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि इससे पहले ममता ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस दौरान ममता ने पीएम मोदी को मिठाई और कुर्ता गिफ्ट में दिया था। 22 सितंबर को अमेरिका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम हाउडी मोदी को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। इमरान खान ने अपने खास सलाहकार जुल्फी बुखारी को इसका जिम्मा सौंपा है। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के जाने और आने के दौरान उनके प्लेन को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने एयर स्पेस देने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूरोप दौरे के दौरान भी अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया था। आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन ने भारत का समर्थन किया है। ईयू ने कहा है कि भारत में आतंकी चांद से उतरकर नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आते हैं और साथ ही यूरोपीय संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले को उसका आंतरिक मसला बताया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को यूएन का बड़ा झटका। कश्मीर मुद्दे पर किसी भी दखल से इनकार कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कश्मीर पर भारत पाकिस्तान आपस में बात करें। आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर सुनवाई का 27वां दिन है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अयोध्या केस का फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो शनिवार को भी मामले की सुनवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने ई सिगरेट पर पाबंदी का फैसला लिया और उसके साथ ही कैबिनेट ने फैसले पर अमल के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भारत में ई सिगरेट के उत्पादन, बेचने, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राहुल गांधी के वीर सावरकर के खिलाफ ट्वीट करने के केस की जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। मुंबई में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह आदेश दिया है। राहुल गांधी के मुंबई की भोईवाड़ा कोर्ट में गैरहाजिर रहने की वजह से कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ गई है। शिवसेना कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने अपने लिए कम से कम 144 सीटें मांगी हैं, तो वहीं बीजेपी शिवसेना को 120 सीटें देना चाहती है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरोड़ा ने कहा कि आने वाले त्योहारों और बच्चों के मिड टर्म एग्जाम को देखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाएगी। उधर चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुंबई पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना अब संभव नहीं है। भोपाल में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है। इस मामले में तीन लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़कियों को सूबे के एक पूर्व मंत्री के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बने बंगले से हिरासत में लिया गया है। जानकारों के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप में कई नेताओं और अफसरों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि इस केस की परतें खुलना बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिरी वो कौन से नेता हैं और अफसर हैं। उधर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने ग्रेटर नोएडा में 16 बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहबेरी के 16 बिल्डर्स रेरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह कर रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आजम खान पर अब सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यूपी के रामपुर में दर्ज इस एफआईआर में आजम के अलावा चार और लोगों के नाम भी शामिल हैं। अब आपको दिल्ली पुलिस से जुड़ी कोई भी मदद या फिर जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने तत्पर नाम के एक ऐप को शुरू किया और इस ऐप में दिल्ली पुलिस की करीब 50 डिजिटल सेवाएं मौजूद हैं। सिर्फ वन टच से किसी भी तरह की जानकारी लोगों को मिल पाएगी। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बीएसएफ पुलिस और कमांडो दस्ते का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सर्च ऑपरेशन में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी के तीन एमएलसी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ इन एमएलसी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में भारी ट्रैफिक में से बचने के लिए सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मुंबई मेट्रो में सफर किया। घाटकोपर में शूटिंग खत्म कर जब अक्षय वर्सोवा जा रहे थे तो वो जाम में फंस गए थे। इसके बाद उन्होंने मेट्रो पकड़ी और 20 मिनट में वर्सोवा पहुंच गए। उधर माता वैष्णो जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे नवरात्रों पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने वाली है। 29 सितंबर से शुरू होने वाली नवरात्रों से शुरू हो रही देश की दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस का कटरा तक का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। उधर मुंबई में इस साल हो रही मॉनसून की बारिश ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के साथ साथ रायगढ़ पुणे सतारा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर 204 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। मुंबई ठाणे नवी मुंबई पालघर और कोंकण में भारी बारिश को देखते हुए इन इलाकों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आशीष सेलार ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। पूरे बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे बिहार पर भारी पड़ने वाले हैं। दक्षिण बिहार में जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना और उसके आसपास के जिलों में खूब बारिश हुई। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में दुकान के सामने शराब और सिगरेट पीने से मना करना दुकानदार को महंगा पड़ गया। 20 से 25 बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की हॉकी स्टिक से जमकर उसकी पिटाई कर दी। राजस्थान पुलिस ने जयपुर से 4,77,00,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और उसके साथ ही दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली पिस्टल और एटीएम भी जब्त किए हैं। 500 और 2,000 के नकली नोट दिखने बच्चों के खेलने वाले नोटों की तरह। उधर 1942 में बनाई गई मशहूर टिनटिन कॉमिक स्ट्रिप की फ्रांस के पेरिस में नीलामी की जा रही है और इस कॉमिक स्ट्रिप के 4,00,000 यूरोज में बिकने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में स्कूल में आग लगने से 27 बच्चे और 2 टीचर्स की मौत हो गई। हादसा राजधानी मोन रोविया के एक स्कूल में हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। नेपाल में भारी बारिश के चलते पर्वतारोही और ट्रैकर्स ने कुछ दिन के लिए अपने कार्य रोक दिए हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग ने सभी ट्रैक व्यवस्था करने वालों को कार्य रोकने का संदेश दिया। उधर नेपाल के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मलेशिया में नकली बारिश कराने की कोशिश। जमीन से 3,000 फीट ऊपर प्लेन की मदद से केमिकल गिराकर बारिश लाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। मलेशिया में पिछले कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी। उधर टर्की में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हादसा हुआ है। आग के बाद पास खड़े टैंक में विस्फोट हो गया। इस्तांबुल में हुए इस धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया और इस हादसे में 2 फायर फाइटर्स घायल हुए। अमेरिका के शहर टेक्सस में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। चारों तरफ सड़कों पर पानी भर गया। गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक टेक्सस में कुछ दिन और बारिश होते रहने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई बुधवार आईफा अवार्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारों की मौजूदगी रही। अवार्ड नाइट में जहां बेस्ट फिल्म का अवार्ड राजी ने जीता, तो इस फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बुधवार को मुंबई में आईफा 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को केदारनाथ के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो वहीं ईशान खट्टर को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला है।
उधर युवराज सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस हेजल कीच आमिर खान की बेटी ईरा के प्ले में रोल निभाती नजर आएंगी। यूरिपिडस मीडिया नाम के इस प्ले से डायरेक्टर के तौर पर ईरा खान डेब्यू कर रही। मीका सिंह और दिलजीत दोसांझ के बाद अब अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण FWICE के निशाने पर हैं। तकरीबन 50,000 मेंबर्स वाली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज भारतीय सिनेमा एसोसिएशन की मदर बॉडी है और इस फेडरेशन ने अब अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण से जवाब मांगा है। राजकुमार राव और मौनी राय स्टारर फिल्म मेड इन चाइना का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। राजकुमार राव ने फिल्म का ट्रेलर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। राजकुमार राव ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा है, प्रियंका चोपड़ा जोनास ने पति निक जॉन्स को काफी रोमांटिक अंदाज में 27वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों के रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने अमिताभ के घर के बाहर पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल अमिताभ ने मुंबई मेट्रो को सपोर्ट किया था। अभिषेक बच्चन और विवेक ओबरॉय के बीच का बॉन्ड इन दिनों चर्चा में है। पहले एक इवेंट में अभिषेक ने विवेक को गले लगाया था और अब विवेक ने जूनियर बच्चन की आने वाली फिल्म बिग बुल के लिए उन्हें बधाई दी। चलिए साथ फटाफट खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।